इसमें आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब चांदनी चौक में जिस तरह से आग की घटना सामने आई है, उसी पर बात करने के लिए अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए, बिल्कुल अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा चुका है। हालांकि आग जो है वो कंट्रोल में है और आग जो है अभी भी सुलग रही है। लगातार जो है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां जो है वो लगातार पानी डाल रही हैं वहां पर। लगातार रात भर जो है आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग जो है इतनी हम कह सकते हैं गहराई पे है, क्योंकि कपड़े की ये पूरा मार्केट है यहाँ पर और छोटी छोटी दुकानें जो है वो काफ़ी अंदर तक है। तो दुकानों में अंदर जो कपड़े हैं उनमें आग लगी हुई है और लगातार जो है उसमें पानी डाल के आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी सफलता नहीं मिली है। हाँ, काबू जरूर पाया जा चुका है आग में, क्योंकि लपटें जो है वो हालांकि नहीं आ रही हैं, आग बढ़ नहीं रही है, लेकिन धुआं जरूर फैला हुआ है और अभी भी धुआं जो है पूरे इलाके में फैला हुआ है। दुकानों से धुआं जो है वो निकल रहा है। हालांकि आग को नियंत्रण में किया जा चुका है। लगातार दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं पानी भर भर के और लगातार यहां पर पानी जो है वो आग पर डाला जा रहा है। अगर बात करें इस इलाके की, तो देखिए पूरा ये कपड़े का पूरा ये बड़ा मार्केट है दिल्ली का, और यहां पर जो है करीब कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा दुकानें जो है इस आग से प्रभावित हुई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुछ हमने व्यापारियों से यहाँ पर बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो उनका कहना है कि जब आग लगी तो उसके बाद बहुत तेज़ी से आग फैली, क्योंकि गर्मी का समय है और हवा बहुत तेज़ चल रही थी कल, तो आग बहुत तेज़ी से फैली और अंदर जितनी भी दुकानें थी आसपास की उसको आग ने चपेट में ले लिया है। काफ़ी पुराना ये इलाका है और यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी खबर अभी तक नहीं आई है। और जो पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, तो दो बिल्डिंगें जो हैं वो जो है धराशाही हो गई है आग के कारण, वो भरभरा के गिर गई हैं। और भी बिल्डिंगें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से फायर फाइटर वहाँ पर पानी डाल रहे हैं आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ इमारतें और कमज़ोर हो गई हैं वहाँ पर, जो कि उनको भी या तो गिर सकती है, गिराया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आग के कारण काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर इमारतें हो चुकी हैं। अभी फायर फाइटर जो है अंदर लगे हुए हैं, अंदर खोजबीन की जा रही है, कहीं कोई और आग तो कहीं नहीं है, क्योंकि धुआं जहाँ जहाँ से निकल रहा है वहाँ वहाँ लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। व्यापारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कहना है व्यापारियों का कि कल जो है काफ़ी समस्या हुई शुरुआती दौर में आग बुझाने में, और जिसके कारण से जो है आग और ज़्यादा फैल गई। इतनी आग नहीं फैलती शुरुआती समय में जो है समस्या होने के कारण। अजीत, अब दोहरी चुनौती है रूप जो है वो यहाँ पर दोहरी चुनौती होगी। उम्मीद है कि कुछ देर बाद हो सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पर फायर फाइटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर आग बुझाने में, तो पूरी तरीके से आग को जो है वो बुझा लिया जाएगा, काबू में लिया जाएगा। लेकिन अजीत, अब फायर डिपार्टमेंट के पास किसी के हताहत फायर डिपार्टमेंट के पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर व्यापारियों का बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है और कोई दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन अजीत, अब फायर डिपार्टमेंट के पास दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ हम जिस तरह से बता रहे हैं कि इमारत भी धराशायी हुई है, उसका मलबा, फिर ख़ास तौर पर क्योंकि जो काला धुआं है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है, संकरी गलियां हैं, तो उस लिहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। तो चांदनी चौक में अभी तक हालांकि आग को ये माना गया है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी तक बुझी नहीं है। कुछ इमारतें भी धराशायी हुई हैं जो कि बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, जिसकी वजह से आग उन इमारतों के नीचे दब गई, जिसका जिक्र बिल्कुल देखिए सकरी गलियां हैं और काफ़ी पुराना ये इलाका है, और जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड ये इलाका रहता है, और जिस समय ये आग लगी उस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी यहाँ पर चहल पहल थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे उस समय, बाज़ार का समय था, और कहा जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय ये आग लगी है। हालाँकि कुछ लोग और कह रहे हैं कि दूसरे कारणों से आग लगी है, लेकिन जो बात निकल के आ रही है मुख्य रूप से कि वेल्डिंग यहां पर की जा रही थी उस कारण से आग लगी। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग का कारण क्या था। तमाम तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई कह रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था पास में तो उस कारण से आग लगी है, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि आग के कारण जो भी हो, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर व्यापारियों को हुआ है आग के कारण, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें जो माल था, जो कपड़े थे, वो जलकर राख हो गए हैं, और आग जो है इतनी विकराल थी कि अभी तक पूरी तरीके से आग को बुझाया नहीं जा सका है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर
फायर फाइटर्स और स्वच्छाकर्मी जो है आग बुझाने का प्रयास लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। जी आंचल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से अच्छी खबर जल्द सामने आएगी कि आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो एक और भीषण गर्मी, दूसरी तरफ एक बूंद पानी के लिए तरसते दिल्ली वाले।